Huh? Okay, we are ready. डीकैप्रियो, हमने इस गेटअप के लिए अपने किडनी तक सुनार के पास गिरवी रख दी है। वो अच्छा तो दिख रहा है ना? गॉड प्रॉमिस, उसका माँ भी धोखा खा जाएगा। अब बिना हॉर्न बजाए निकल। क्या मलाई है भिड़ू? कयामत है। ऊ ला ला, क्या हुआ रे ठरकी? यार तुझे इस गेटअप में देख के झप्पी लेने का मन कर रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की बाहों में यकीन नहीं हो रहा है। लड़का ही हूँ, पहली बार किसी स्कर्ट वाले को गले लगा रहा हूँ। दोस्त तू तेरा, अभी बताती हूँ। रुकना, नजर मत डालो। छोड़ छोड़, तुम लोग इंडिया को फॉरेन बना के छोड़ोगे? बंद कमरे में करने वाला काम तुम लोग खुद कर रहे हो। आंटी, प्यार के पंछों को कैद मत करो। तुम दोनों पे जवानी का घोस्ट चढ़ा है क्या? आंटी, इसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। कौन है नासपिटी? आपने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना, यू टेल। गौर से देखिए, लिपस्टिक लगाई है तो गर्ल ही होगी ना। आंटी, आप अपना काम कीजिए ना। माँ कहीं पहचान न ले। शिवा, मेरे बेटे की जेराक्स फोटो कॉपी है तू? आप भी मेरी माँ की कॉपी है? अरे आपने नहीं पहचाना, मैं बताता हूँ। ये मेरा लवर है आंटी। क्या? अगले महीने भाग के शादी करेंगे और दौड़ के सुहाग रहे। तो कुछ कमाता नहीं है, कमाओ तो लेकर आएगा। पहले कमाना सीख। मैं कमाती हूँ ना, अब इसके लिए भी कमा। चार बार आईने की शादी के ख्वाब देखना शुरू। माँ भी धोखा खा गई। अरे पापा को स्वर्ग भेजने में तेरी माँ का हाथ है। कितना जोर से मारती है। अरे वो छोड़, एक बात अच्छी हो गई कि मेकअप का टेस्ट यहीं पर हो गया। अब ना माँ से दबूंगा, ना लेनदारों से दबूंगा, ना डायरेक्टर से दबूंगा। फिलहाल तो मेरे से दब रहा है। अच्छा ठीक है, काम पे ध्यान देते हैं। ऐसी एक्टिंग करूंगा उसके होश उड़ जाएंगे। मेरे 222 रन्स बनाए, नॉट आउट। क्लीन बोल्ड हो गया रे। अरे लगता है चलते चलते हम अफ्रीका के जंगल में आ गए हैं। संभल के चलते हैं, कहीं इनकी सींग में स्कर्ट ना अटक जाए। कल से इंजेक्शन लेके। हेलो, आज बॉल ने विकेट के बजाय हार्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। अपने दिल के वार्ड में एडमिट कर लो, प्यार का ड्रिप चढ़ा दो। मुझे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है, अगर बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेके हॉस्पिटल आ जाना। चल चल चल, डार्लिंग तुम जाओ ना हॉस्पिटल जाओ। थैंक्स भैया। भैया, फर्स्ट भैया देन सैया। चिंपांजी की औलाद। हेलो, कभी फ्री हो तो मेरी परफॉर्मेंस देखने आना। ठीक है हैंडसम। नाइट मैच में भी। हाँ क्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। नारी पे बुरी नजर डालेगा तो तेरा स्टंप उखाड़ दूंगा। स्टंप बाद में उखाड़ना, पहले ये बता ये थर्ड अंपायर कौन है? तुझे दिखता नहीं, सिस्टर थी ना? अबे सिस्टर होंगी तेरी। अब जैसे सिस्टर बोले तो नर्स। ओ बॉयस, हाँ भाई, ब्रदर की सिस्टर का बायोडाटा निकालो। देख के लड़की भी धोखा खा जाए। नाइस। कड़क। जरा स्माइल करके दिखाओ। इतना मत फैलाओ, थोड़ा सा। जरा चल के बताओ।
अपनी इसको थोड़ा निकाल के चलो, एम्बेसडर कार के डिक्के कैसे बाहर निकली होती है बिल्कुल वैसे ही, चलो सीना बाहर, ऐसा लगे कि 56 इंच की छाती है, नजाकत के साथ थोड़ा एटीट्यूड भी लाओ, एक नंबर। अब जरा लड़कियों की तरह डायलॉग बोलो। मेरे कलर में प्रिंट होने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो कोई प्रेम कहानी, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, दो ना दो। मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? अबे तेरी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, लुक थोड़ा ऊपर रखो। वो मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री की एक्टिंग कर रहा था। ओके, कुछ नाच गाना आता है कि नहीं? आता है। किसी दो पुरानी हीरोइन का डांस मिक्स करके दिखाओ। दो हीरोइन का डांस। बाबूलाल जरा स्क्रिप्ट लाना, ये डायलॉग याद कर लो। हाँ सर, ये आपने लिखी है? हाँ बस ऐसा ही समझ लो। ठीक है, अब तुम्हें करना है लव। क्या? फर्स्ट लव। आज के जमाने में 99% लड़के जो हैं पहले प्यार में फेल हो जाते हैं, सिर्फ 1% लकी लड़के अपनी मोहब्बत का एग्जाम पास करते हैं। हमारा हीरो जो है उन 99% बदनसीबों में से एक है। हर नौजवान आशिक की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को लेके शादी के सपने सजोता है। ए शिवा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए शिवा, किन ख्यालों में खो गए हो? ए, इसे बाहर फेंको। जी सर। गेट आउट। ए निकल। अबे खुश क्या हो रहा है, उसकी मंगनी हो चुकी है और तू लड़की के भेस में। कल गोल्डमैन स्टूडियो में मिलते हैं। चलती बस में नहीं चढ़ते। सॉरी ड्राइवर। अरे मैं कंडक्टर हूँ। ठीक है सॉरी, आपस में बांट लो। वाओ। हेलो। दिन भर हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करती हो, कभी उस सेवा का कोई मेवा या मेडल मिला है तुम्हें? मैं तो कहता हूँ कि मुझसे गाना सीख लो तो तुम्हें फिल्मफेयर अवार्ड तो फोड़ दूंगा इसको। क्या बॉडी बनाई है तुमने? मेरे साथ एक्शन फिल्म में रोल करोगी क्या? पिक्चर का नाम भी सोच के रखा है मैंने, धूम विद बूम बूम। एक्शन के साथ साथ उसमें रोमांस भी होगा, करोगी ना? हेलो। हेलो नहीं, बोलना है आई लव यू। तो काले डमरू। यस। मारा क्यों? बदतमीजी की भी हद होती है, कोई नर्स बहन जी को इस तरह छेड़ता है? तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ये बहन जी नहीं, ये तो मेरी प्रेमिका है। इसे पुलिस के हवाले कर दो। बिल्कुल सही कहा, आजकल पुलिस शादी करवाती है क्या? तुम लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा। अच्छा बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो? सिस्टर कहाँ खो गए? तुम कौन से हॉस्पिटल में जॉब करती हो और यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज किया? जॉब के मामले में अब तक कुवारी हूँ। मैं काव्या हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? मेरा नाम नाम है, नाम क्या है मेरा, क्या नाम बोलूँ? मैं नाम पूछ रही हूँ। हंसिका मोटवानी। हाँ, हंसिका मोटवानी। अच्छा नहीं लगा, दूसरा बताती हूँ। रेजीना मोटवानी। रेजीना मोटवानी, कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है। रेजीना का रे, मोटवानी का मो। रेमो, सुपर नाम है ना, तुम्हें रेमो बहना बुलाऊंगी। ठीक है, अच्छा है। ना भैया ना सैया, सीधा बहना। लगता है गले में खराश है, थोड़ी लड़कों जैसी आवाज लग रही है। शुक्र है पकड़ा नहीं गया। इसकी गर्दन का तिल कितना प्यारा है। ऐसा लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है, पर इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा वो याद नहीं आ रहा, क्यों ना एक सेल्फी ले ले। इस तरह मुझे याद रहेगा मैं तुमसे मिली हूँ। अरे मत ले, कैमरा कहीं सच्चाई ना बता दे। बहना पोज करो ना, कैमरा की तरफ देखो। अब ठीक है, स्माइल। तुम दुखी हो,
क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना, दिल छोटा नहीं करते। मुझे अपना नंबर दो। नहीं दे सकती। क्यों नहीं? चलो अपना नंबर दो ना। अरे मेरा स्टॉप आ गया। अच्छा हुआ आ गया, वरना पता चल जाता सिस्टर नहीं मिस्टर हूँ। ये रहा मेरा नंबर, मंडे मॉर्निंग एमएफ हॉस्पिटल आके मुझे कॉल कर देना। ओके बाय। काव्या, अजनबी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? अरे तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मंडे मॉर्निंग पहुँच जाना, वहीं बात करेंगे। ओके भूलना मत। बाय रेमो सिस्टर। बाय। लगता है किस्मत में इसके हाथों की रोटी खाना ही लिखा है। ए, तुझे रील में नहीं रियल में एक्टिंग करनी है। अगर पता चल गया ना कि तू नकली नर्स है तो पुलिस जेल ले जाकर सुई घुसेड़ेगी। नर्स बनना आसान नहीं, सुई लगाना, मरहम पट्टी करना, टाके लगाना, दवाई लगाना, सब कुछ करना पड़ता है। कोई मर जाए तो उसके घर वालों को ब्रेकिंग न्यूज देनी होती है। अबे टकले जरा आराम से बोल, नहीं तो तेरे को एडमिट करना पड़ेगा। सुई में धागा नहीं डालना है, सुई को बम पे लगाना है। अरे सुई कौन लगाने जा रहा है, मैं तो बस नर्स बनने की एक्टिंग करूंगा। करके भी क्या उखाड़ लेगा, उसकी तो सगाई हो गई है। सगाई हुई है, वो भी अरेंज मैरिज वाली। वो इतनी शरीफ है कि सगाई के दिन ही उससे मिली होगी। अरे उसको उसका पूरा नाम भी पता नहीं होगा। और कहूँ ऐसा भी तो होता है कि पार्सल किसी और के नाम का होता है पर मिलता किसी और को है। सही बोला भी रो। ऐसा ही कुछ होने वाला है, और मैं पार्सल लौटाऊंगा नहीं। तो तू एक काम करना, उसकी शादी तुड़वा दे। ओ, कमाल का आइडिया। ना जान ना पहचान, सीधा शादी तोड़ने का फरमान। अबे नसबंदी कर देगी। पहले मुझे ये जानना है कि वो रिश्ते से खुश है या नहीं। अगर मुझे मामला थोड़ा भी डामाडोल लगा तो मैं झोल कर दूंगा। अच्छा, अगर इंटरेस्ट हुआ तो? नर्स बन के उसे कंफ्यूज करूंगा। इंटरेस्ट ना हो तो उसका मंगल और मेरा सूत्र। पर भरो, इसी बीच नर्स का पोल खुल गया तो खुल जाए, मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मेरे लिए कैलेंडर की बदली हुई तारीख बन चुकी थी, लेकिन कल जब बस में वो मेरे पास आकर बैठी और मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा तो लगा कि उसी में मेरी दुनिया बसी है। अब बस किसी तरह मुझे उसके साथ रहना है। यार तेरे से बहस करना मतलब लोमड़ी के आगे बीन बजाना। याद कर तूने उस दिन क्या बोला था? कि उसे भूलकर एक्टिंग पे ध्यान देगा। मानता हूँ, रजनी सर के सामने प्यार का पैकअप किया था, अब ऊपर वाले ने फिर से मिला दिया। मतलब कि कायनात भी चाहती है कि हम दोनों कभी भी जुदा ना हो। मेरा फैसला सही है, ऊपर वाला मौका दे रहा हाथ से जाने नहीं दूंगा। प्यार पाने के लिए कुछ भी करूंगा। ये एक क्राइम है, तुझे उम्र कैद भी हो सकती है। उसके प्यार में उम्र भर के लिए कैद तो हो ही चुका हूँ, अब इससे आजाद होने के लिए मुझे उसके प्यार की जमानत लगेगी। कामयाब वही होते हैं जो नाकाम होने से नहीं डरते। उसकी खुशबू पूरे हॉस्पिटल में फैली है। श्योर मैम। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर काव्या। मैम यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर काव्या राउंड पे गया है। साइकिल पे? हाँ। मजाक करने से खून बढ़ता है ना। ऐसा लग रहा है मेरा ही खून पी जाएगी। अगर ऐसी मेरी डॉक्टर हो तो मैं तो कभी ठीक ही ना हूँ। हेलो बहना। खड़े अरमानों पे बहना बोल के पानी फेर दिया। हाथ पकड़ा। हेलो। डीन से तुम्हारी बात कर ली है, एक इंटरव्यू देना होगा, यहीं वेट करो। काव्या, मुझे भागन की इतनी मदद कर रही हो, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? इट्स ओके बहना। ये बहना की तो बहना फिर से बोली। तुम तो उस दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा पड़ोसी के साबुन से नहाई हूं। मैं भी आई हूँ। ये किसकी आवाज? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, चुप, घबराओ मत नैंसी। बस कुछ नहीं होएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, बस बस हो ही गया। हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। बस 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 बस। छोटी सी बच्ची, चींटी ने काटा हॉस्पिटल। चींटी ने काटा ना। देखिए इसे हर रोज 4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तभी अगले महीने इसका ऑपरेशन हो पाएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। हेलो काव्या। यस डॉक्टर। मैं देख रहा हूँ कि इसके फिट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इंजेक्शन ऑन टाइम देते रहना, ठीक है? नैन्सी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। खड़ा सलाम। डॉक्टर यही सिस्टर रेमो है। तुम जरा मेरी कैबिन में आ जाओ। ये कैबिन में मेरे साथ क्या करेंगे? अरे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू? अरे छोड़ो, सर्टिफिकेट्स मेरे लिए कागज के टुकड़े हैं बस। बहुत खर्चा हुआ है इन पे। क्या मतलब? मुझे पढ़ाने के लिए पिताजी डांस बार में नाचते थे और माँ चकना सप्लाई करती थी। सच बोल रही हूँ। गुड गुड,
तुम्हें देख के ही लगा था कि तुम एक बहुत ही ऊंचे खानदान की लड़की हो। क्या कहा लड़की, खूबसूरत लड़की लग रही हो। हाँ एकदम सही है, टकाटक। तो कल से जॉब पे चलो, अब काम शुरू करें। इंटरव्यू देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? अगर पेशेंट ठरकी है तो उसे इंजेक्शन कहाँ लगाओगी? अगर इंजेक्शन से नहीं सोता और वो तुम्हें बार बार बुलाता है तो फिर तुम क्या करोगी? नर्स कीजिए सर, क्या मैं कपड़ों से नर्स नहीं लगती? अरे कड़क लगती हो। इतने बड़े डॉक्टर है, इतना अच्छा मेकअप देखकर आप समझ नहीं पाए, मेरा मतलब इतने क्वालिफिकेशन देखकर आप समझ नहीं पाए कि मैं एक बहुत अच्छी नर्स हूँ? मुझ पे शक कर रहे हैं। अरे जानो रुक, आई मीन डियर सुनो ना, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पगार बढ़ाने वाले हैं क्या? लगता है बोलपट तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चित्रपट दिखाऊं? कहीं मुझे लेटने को तो नहीं बोलेगा? मान लो 3 साल की बच्ची को एपिलेप्सी हो गया है तो उसे कैसे हैंडल करोगी बताओ? लगता है इस डीन के सामने डायन ही बनना पड़ेगा। मैं मोंजुलिका की बहन मोंजनीज हूँ। हमारी माँ का नाम कंचना है। हम सब ने राजमहल यूनिवर्सिटी में खून पीकर नर्स की डिग्री हासिल की है। अब मैं नोट कर तेरा ठरकपन निकाल दूंगी। मिमिक्री सर, इसी तरह मिमिक्री करके सारे बीमार बच्चों का दिल बहलाऊंगी सर। इससे बच्चों का अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। मैं तुम्हें बच्चों के वार्ड में अपॉइंट करता हूँ। अच्छा नर्स जानू, डॉक्टर काव्या को फॉलो। अरे वही करके तो यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या हुआ? डीन ने कहा है कि तुम्हारा साया बन के रहूं। कांग्रेचुलेशंस बहना। इस हग में से बहना कब डिलीट होगा? अब रोज का प्रोग्राम सेट, गेट सेट गो। ये हो गया मेकअप, परफेक्ट, और मैं चली काम पे। खड़ी है कि नहीं? खड़ी है, खड़ी है। हाय, मैं चला। तो चलोगी? बहना क्या खुशबू है, बालों में गुदगुदी हो रही है। सिस्टर यस, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन इसी में घुसर देता हूँ। मम्मी मर गया। हाँ बहना, इसने अपने पेरेंट्स खो दिए, इसीलिए इतनी जिद्दी हो गई है, किसी से बात ही नहीं करती। 1 महीने में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। हेलो। हाँ, पैरासिटामोल देना चाहिए। मैं अभी कबाब में हड्डी तो आप दे देना। ओके बाय। कुदकुदी कुदकुदी कुदकुदी। हाँ शाम की दवाई दे दी। अरे तुम क्या कर रहे हो? कान का औजार चाहिए। बहना सेल्फी ले ले। ये ऑल मैन आउट। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं रुको, क्या क्या दिखाएगा आज? पता चला माँ का क्या दर्जा होता है। माँ तुझे प्रणाम। हाँ हाँ बड़ा मजा आया। जादू, जादू तो मुझ पे तुम्हारा क्या है? बचपन में मैंने बहुत देखा था, तुम भी देखो। शादी के पहले हनीमून, पापी दुष्ट कहीं मेरे चलने वाली बजा। कुछ तिकड़म करता हूँ। हेलो, मैं उठोता दोकल, दोकल तुम थे दो तिकलेगा। इसे मालोगी तो नहीं ना? प्याल किया? नींद नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही, चलो गपशप करते हैं। तुमको मैं जादू दिखा दे, मुट्ठी दबा दे, जूस निकाल दे, मीठे मीठे जूस।